प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जिस प्रकार समाज का सहयोग और समर्थन मिला, जिस कारण आज लिंगानुपात में कमी आई है, ठीक उसी प्रकार आज जरूरत है पर्यावरण को बचाने की। क्योंकि प्रदेश में जंगलात की संख्या 20% से घटकर मात्र 2% ही रह गई है। यही कारण है कि आज पक्षियों की वह प्रजातियां विलुप्त होती जा रही हैं जो किसानों की अच्छी फसलों और पर्यावरण के लिए जरूरी थी। आज यह चिंता का विषय बन गया है। अब आने वाले 2 वर्षों में किसी भी सरकारी स्कूल की बिल्डिंग ना तो जर्जर रहेगी, ना ही इनमें बच्चों को बैठने के लिए फर्नीचर की कमी रहेगी। इसके लिए 207 करोड़ रुपए का टेंडर छोड़ दिया गया है। यह कहना है प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवर पाल का, जो रविवार को जिले के गांव बेरलीकरा के एक निजी स्कूल में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंचे थे। इस मौके पर बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। देखिए आज सतलुज सीनियर सेकेंडरी विद्या मंदिर का एनुअल फंक्शन था। रामपाल यादव जी ने बहुत लंबे टाइम से 35 साल से इसमें लगातार मेहनत कर रहे हैं और जो रिजल्ट आए वो बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसा उन्होंने अभी बताया कि 2 IAS और उसके बाद भी बहुत लोग जो बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी पोजिशन प्राप्त की है। आज उसका एक कार्यक्रम था, उसमें मुझे आने का अवसर मिला। मैं रामपाल यादव जी को बधाई देता हूँ कि राजनीति के साथ साथ उन्होंने बहुत ही समाज में बहुत अच्छा काम एजुकेशन का किया है। सर, आप शिक्षा मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, हरियाणा सरकार 125 स्कूलों को बंद करने जा रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? आपने गलत पढ़ दिया, 125 नहीं है, 1000 कुछ है। हरियाणा रेवाड़ी में 125 स्कूल। देखिए अब कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ संख्या 25 से भी कम है, उसमें तो वो चलाना एक उसमें दिक्कत थी। और उसमें एक प्रॉब्लम ये भी थी कि कहीं बार ना एक ही गांव में 2 स्कूल है, कहीं कहीं गांव के साथ दूसरा, नाम अलग है लेकिन गांव एक ही है, और उसकी वजह से एक समस्या आ रही थी। उसके लिए हमने निर्णय लिया कि वो अगर दूसरे स्कूल में भेजने के लिए कोई व्यवस्था करानी पड़ेगी तो व्यवस्था हम करा देंगे उसकी, लेकिन जहाँ 25 से कम है उसके बारे में। लेकिन अभी मुझे एक डेपुटेशन मिला था टीचर का, तो वो कहते हैं कि हम प्रयास करेंगे, अगर वो प्रयास करके संख्या बढ़ाते हैं तो हम स्कूल नहीं बंद करेंगे, तो फिर ये निर्णय लेंगे। लेकिन अगर 25 से कम रहती है तो फिर थोड़ा हमारे लिए एक समस्या है। और हमारा जो टारगेट है ना जी, वो है कि भाई टीचर पूरे होने चाहिए, उसके लिए हम प्रयासरत हैं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहाँ स्कूल में टीचर, मान लीजिए बच्चे तो हैं लेकिन टीचर नहीं है, तो फिर भी एक वो ज़्यादा खतरनाक है बजाय इसके। तो हमने एक विचार किया कि कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा कि जहाँ टीचर। एक स्कूल SSL रेवाड़ी में 4 नंबर स्कूल है, तो उसमें सर 58 बच्चे, लेकिन शिक्षक एक ही है, अस्थायी शिक्षक हो भी, उस पर क्या कहेंगे सर? हाँ नहीं, वही तो मैंने अभी आपसे कहा ना, उन्होंने हमने आपसे कहा कि भाई आने वाले टाइम में आप अगले साल देखोगे कि कहीं भी आपको टीचर कम नहीं मिलेंगे। और हम ज्यादातर जहाँ भी होगा, जैसे अभी आपसे ने बताया कि 25 से कम की बात थी, बच्चे जहाँ थे स्कूल बंद करने की बात थी, उसका कारण ये था कहीं जगह ऐसा भी थे कि कहीं 8 बच्चे हैं तो 2 टीचर हैं, 7 हैं तो 2 टीचर हैं, तो सारे को ठीक करने लग रहे। तो आने वाले टाइम में आपको इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। बिल्डिंग की खंडर है, पूरी गिराऊ है, फिर भी उसके बाद वैसे तो बिल्डिंग के लिहाज से हरियाणा में सबसे अच्छी बिल्डिंग है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी इतने स्कूल हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो जहाँ स्कूल की बिल्डिंग कंडम घोषित कर दी, उसको तो मैं अभी कह रहा कि आने वाले 1 साल में सारी हम कर देंगे, लेकिन आने वाले 2 साल में कहीं भी आपको इस प्रकार की कोई बिल्डिंग नहीं मिलेगी। हमने हमारा पूरा प्रयास है, अब की बार हमारा बजट भी एजुकेशन पे हम ज़्यादा देंगे, और कहीं भी इस प्रकार की आप नहीं होगी। जैसे डेस्क वगैरह की पहले आप खबर दिखाते रहते थे कि नीचे बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं या टाट पे पढ़ रहे हैं, तो अभी हमने 207 करोड़ रुपये का टेंडर कर दिया और वो सारी की सारी कमी दूर। सर, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए? देखिए उसके लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं, आज भी हमारा कार्यक्रम था, उसमें अभी अपना मेला लगता है सूरज कुंड पे, उसमें हम थे और वहाँ हमने बातचीत की है। लेकिन उसके लिए हम प्रयासरत हैं, और अब की बार राखी गढ़ी और उसका सारे का जिक्र, जैसे आपने भी बजट में भी आपने उसकी चर्चा सुनी, तो जो पुराने ऐसे ही स्थान हैं हमारे उनको भी बढ़ावा देंगे, और जो पर्यटन की दृष्टि सुंदर जगह है जैसे, तो उन पर भी हम प्रयास करेंगे। सर, 134 का मामला था स्कूल को लेकर, जो उनको फंड नहीं दिया जाता गरीब, नहीं वो अभी मैंने प्राइवेट स्कूलों का एक प्रोग्राम था, मैंने उसमें गया था और उन्होंने मेरे सामने बात रखी थी कि जो सरकार ने अनाउंस किया था वो भी नहीं मिला। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अभी इसी महीने में
मतलब बजट से पहले पहले उनका पैसा नहीं। सर 134 में ट्रांसपोर्ट नहीं दिया जाता, क्या इस बार सोचेगी सरकार बजट में? नहीं, इस पर विचार करेंगे, ट्रांसपोर्ट के बारे में विचार करेंगे, लेकिन जो हमने उनसे कहा था 300 से 700 रुपए देने के लिए प्रति बच्चा, वो हम कर लिए। एक सर अभिभावक का सर आरोप है सर, अब सरकार जो है प्राइवेट स्कूलों को प्रमोट कर रही है, आज भी रेवाड़ी जिले में तीन तीन हरियाणा सरकार के मंत्री जो है प्राइवेट स्कूल में है और खस्ता हाल हो रहे हैं सरकारी स्कूल, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए सरकारी स्कूल को पूरा महत्व दिया जाएगा, लेकिन प्राइवेट भी अगर कोई कर रहे हैं तो ऐसी हमारी दुश्मनी प्राइवेट से भी नहीं है, अगर प्राइवेट भी एजुकेशन के फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उनको भी बढ़ावा देंगे, लेकिन हम बढ़ावा सरकारी स्कूल को देंगे और उसके लिए पूरा। अब तक आप जो अभी आपने पिछले प्लान में देखा कि हमने 50,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए, अब आप कल्पना करके देखो अगर 50,000 शिक्षक हमने भर्ती किए तो हमारे से पहले क्या हालत थी, तो हम सारी चीजों को एकदम तो ठीक कर सकते हैं ना, टाइम तो लगेगा ना जी। अब 50,000 अगर हमने करे भर्ती तो उससे पहले हालत क्या थी, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाले टाइम में लगभग 2 साल में हम सारा कंप्लीट कर देंगे, कोई भी स्कूल ऐसा नहीं होगा जहां टीचर नहीं। तो बजट की बात करें, जब बजट पेश हुआ है उसके बजट की तो चारों तरफ वाह वाह है, आज सब लोग तारीफ कर रहे हैं, अब जब कहने के लिए कोई बुराई करनी तो विपक्ष उसकी थोड़ा बहुत कहता है, लेकिन विपक्ष भी कहते हैं सोच रहा कई बार कहूं क्या कहूं, क्योंकि इतना अच्छा बजट पेश किया कि सब उसकी तारीफ, चाहे किसान की बात है, चाहे युवा की बात है, चाहे रोजगार की बात है, गांव की बात है, चाहे पर्यटन की बात, हर दृष्टि से कंप्लीट। एम्स बनना था लेकिन अभी तक नहीं बन पाया सर, क्या कुछ प्रयास रहेगा आपके शिक्षा मंत्री? नहीं, वो उसकी घोषणा है हुई और निश्चित तौर से वहां बनेगा, मुझे पता नहीं उसका क्या कारण होगा, क्या एक प्रॉब्लम रही है उसकी। एक मनीष सरोवर और बलराज कुंडू का मामला चल रहा है, राजनीति में छोटे मोटे बयानबाजी। सर जिले में सैकड़ों वर्ष पुरानी 16 राई है और ऐतिहासिक बड़ा तालाब प्रशासनिक उपेक्षाओं में जर्जर हालत में है, लेकिन उसकी आगरा कोई मुझे अभी मुझे इसकी जानकारी नहीं, आप वैसे तो जानकारी तो आपको भी नहीं, आप मोबाइल भी देखिए, आप सब भोजन करेंगे तो